आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता प्रभु परमेश्वर, आज के दिन के लिए, समय के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके पुत्र के उद्धार मुक्ति छुटकारे और जीवन को प्रकट किया है प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर यीशु के प्रभु बहुमूल्य लहू के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हुए प्रभु आपके चरणों में झुकते हैं। जितने देखते सुनते हैं प्रभु जी सबों को प्रभु आशीषित करें प्रभु परमेश्वर, चैनल को आशीषित दीजिए प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु परमेश्वर आप प्रभु आज का जो वचन दिया है प्रभु परमेश्वर से भी आशीषित कीजिए प्रभु परमेश्वर, और सिर्फ इसे आपको सारी महिमा हम देते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम मांगते हैं सुने प्रभु ग्रहण करें, आमीन। आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं आज के टॉपिक के अनुसार, जो सर्वेंट के विषय में हम देखते हैं, सेवक के विषय में देखते हैं, मत्ती 25 और उसका 24 से लेकर 30 पद में यहाँ पर तीन सेवकों के बारे में लिखा है, और लेकिन हम सिर्फ 15 पद को हम पढ़ते हैं। उसमें यह लिखा है, उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हरेक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। यहाँ पर हम तीन सेवकों के बारे में हम देखने जा रहे हैं, आज के टॉपिक भी तीन सेवकों के बारे में है, और ये तीन सेवक जो कि कलीसिया में काम करते हैं, सेवकाई करते हैं, इन तीन सेवकों के बारे में हम देखने जा रहे हैं। पहला सेवक को हम देखते हैं वो है फुल टाइम सेवक, और दूसरे सेवक को हम देखते हैं हाफ टाइम सेवक, और तीसरे सेवक को हम देखते हैं जो विश्वासी के रूप में पाए जाने वाले सेवक। ये तीन सेवकों को आज हम देखने जा रहे हैं। पहले हम देखेंगे फुल टाइम सेवक। फुल टाइम सेवक कौन है और कैसे इस बात को देखते हैं बाइबल में, तो हम मत्ती लिखित सुषमाचार में हम देखते हैं। मत्ती लिखित सुषमाचार, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा है, मत्ती लिखित सुषमाचार उसका 6 और उसका 24 पद में उन्होंने इस रीति से कहा है। मत्ती लिखित सुषमाचार और उसका 6:24 में इस प्रकार कहता है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसीलिए लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। यहाँ पर हम पढ़ते सेवकाई के बारे में, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक ऐसे उदाहरण को दिया है और बताया है कि फुल टाइम सेवक के बारे में बताया, पूर्ण सेवा करेगा वो, और उसको धन की सेवा नहीं करना है उसको, और वो प्रभु की सेवा करना है बोल के यहाँ पर लिखा है। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को बुलाया तो उन्होंने अपना काम धंधा छोड़कर प्रभु के पीछे आ लिया। प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम जब देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह भी एक बढ़ाई का बेटा होने के नाते बढ़ाई का काम करते थे, लेकिन सेवा के लिए उन्होंने अपने काम को छोड़कर प्रभु की सेवा के लिए आए। यहाँ पर हम लुका 8 और उसका हम देखेंगे तो इस प्रकार से लुका उसका 8 अध्याय को हम जाते हैं। पहले इधर हम इस रीति से विषय को देखते हैं कि लुका 8 में लिखा है कि इसके बाद वो नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। प्रभु यीशु मसीह के विषय में यह लिखा है, और वह वहां पर 12 उसके साथ थे, मतलब 12 चेले साथ थे। और वहां पर क्या लिखा है, दो पद से हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं बोल के बोलता है, मरियम जो मगदलीनी कहलाती है जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी स्त्रियां, अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उनकी सेवा करती थी। फुल टाइम सेवक को पैसे की क्या जरूरत नहीं, जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह को भी जरूरत था। हम यहूदा का विषय में लिखते हैं कि वो दान रखता था, और वो हम देखते हैं बाइबल में इस रीति से लोग इस रीति से सेवा करते हैं, फुल टाइम सेवक। ये फुल टाइम जो सेवा है ये बहुत ही
बुलाहट जो है बड़ी बुलाहट है, लेकिन धन के पीछे नहीं जाना है, प्रभु का सेवक करना है बोल के। लेकिन सब सपोर्ट करते हैं, माँ बाप सपोर्ट करते हैं तब ये सेवा हो पाता है, या फिर यदि पत्नी है तो पत्नी सपोर्ट करती है, या फिर ऐसे होते हैं कि एल्डर्स होते हैं कलीसाओं में वो सपोर्ट करते हैं बड़े होते हैं, और इसी तरह से कलीसा सपोर्ट करती है तभी जा करके एक फुल टाइम सेवक खड़ा हो पाता है। यदि उसको सपोर्ट ही नहीं करेगा तो वो सेवा नहीं कर सकता। फुल टाइम सेवक कई ऐसे भी हैं जो सिर्फ प्रचार कर सकते हैं, चंगाई नहीं कर सकते, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार नहीं कर सकते, लेकिन वो फुल टाइम सेवक है, उनको सपोर्ट की जरूरत है। और इसी तरह से कितने तो शादी करके भी फुल टाइम सेवा में करते हैं, पति पत्नी दोनों ही फुल टाइम में है, उनको उनकी मिनिस्ट्री को पैसों की जरूरत होती है, टाइट की जरूरत होती है, उनको पैसों की स्थिति से आवश्यकता होती है, तब जाके वो ये सेवा करते हैं। जो लोग चीन चमत्कार करते हैं बड़े काम करते हैं वहां पर भी उन्हें भी ये जरूरत पड़ जाती है, वो लोग भी पैसों के बगैर सेवा नहीं कर सकते, यदि वो उनका कुछ और सोर्स ना हो तो उन लोग को भी पैसे की जरूरत पड़ती है। क्योंकि बहुत से लोग आते हैं और बहुत से लोग जब चिन्ह चमत्कार को देखने के लिए आते हैं तो बहुत सारे लोगों की दायित्व और बहुत सारे लोगों का जो जिम्मेदारी उठाना ये बहुत कठिन बात होती है, बहुत सारे सेवकों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे टीम्स की जरूरत पड़ती है और पैसों की जरूरत पड़ती है। प्रभु यीशु मसीह को भी जरूरत पड़ा, पैसे नहीं चाहिए बोल के नहीं है, फुल टाइम सेवकों को पैसे जरूरत होते हैं। आज फुल टाइम सेवक देखते हैं इस पैसे के वजह से कितने सारे ऐसे हो गए हैं कि वो अपनी सेवकाई में भी बहुत ही गड़बड़ करते हैं, सेवक लोगों को बहुत ही गलत रीति से ट्रीट किया जाता है, फुल टाइम सेवक में गलत रीति से इनको बहुत ही खराब ट्रीट किया जाता है। इनके पास पैसे ना होने के कारण उनके पति यदि पत्नी यदि सेवा कर रहे हैं और ऐसे सेवक लोग हैं तो उनको बहुत ही खराब ट्रीट करते हैं। ऐसे जगह हैं जो उनको सही से भोजन भी नहीं मिलता, ऐसे जगह हैं वो बहुत ही बीमार में पाए जाते हैं, बहुत प्रकार की बीमारियों में जकड़े रहते हैं, उनकी परिस्थिति ऐसी रहती है, उनके बच्चों की भी उनकी पत्नियों की भी परिस्थिति बहुत खराब रहती है। हम देखते हैं इस प्रकार से सेवक हैं, लेकिन जिनको सपोर्ट मिलता है वो बहुत कुछ कर पाते हैं, बहुत आगे तक जा पाते हैं। और सच्चे रीति से यदि प्रभु में इस बुलाहट को वो लेकर चलते हैं तो प्रभु का बहुत बड़ा काम होता है। देखते हैं बहुत सारे सेक्रीफाइस करके लोग इस सेवकाई में आते हैं, लेकिन उस लेवल का सेवा जो फुल टाइम करना चाहिए कई बार फुल टाइम सेवक भी नहीं कर पाते हैं। हम देखते हैं ये एक पहले तोड़े को हम देखते हैं कि किस रीति से एक सेवक के विषय में देखते हैं फुल टाइम सेवक, और स्थिति से पुराने नियम में फुल टाइम सेवक थे, लेवी लोगों को दिया जाता था और वो लोग करते थे प्रभु की सेवा रात दिन, लेकिन जब इसराइल लोगों ने उन्हें नहीं दिया तो फिर वो अन्य जाति की ओर मुड़ने लगे। और इसी प्रकार से आज भी होता है, लोग नहीं पूछते हैं तो फिर वो लोग ऐसे ही करते हैं, बहुत सारे अन्य जातियों में चले जाते हैं, बहुत सारे मिक्स हो जाते हैं, इस प्रकार से परिस्थितियां हैं। फुल टाइम सेवकों की आज ये हालत है, उनके लिए प्रार्थना करें हम, और हमें इस स्थिति से जागृत रहना चाहिए, इस सेवा को समझना चाहिए। आप दूसरे सेवा को देखते हैं, दूसरे सेवक को देखते हैं, और वो सेवा है हाफ टाइम सेवक। और हाफ टाइम सेवक के बारे में यहाँ पर प्रेरितों दो देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय और उसका 34-35 में इस प्रकार से लिखा है। 20वां अध्याय यहाँ पर पौलुस कहता है 34 और 35 में कहता है, तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की, मैं ने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। पौलुस कैसे हाथ से काम किया और प्रभु की भी सेवा किया, बहुत बड़ा एक देखते हैं कि एसपी डीएसपी जैसे पोस्ट में रहने वाला एक व्यक्ति कैसे प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ के चला आता है और ऐसे साधारण टेंट बनाने वाला बन जाता है और प्रभु की सेवा के लिए, और छोटे काम करते हुए भी प्रभु की सेवा करते हुए मिशनरी यात्राओं को करता है, अपने पैसे में काम करके अपने ही ऐसे करके भी करता है। देखते हैं उसको सपोर्ट नहीं मिला बल्कि नहीं, बाइबल बोलते सपोर्ट मिला, लेकिन वो खुद से खुद किस पे ऊपर भार नहीं बनना है बल्कि खुद अपने आप से खड़ा होकर करते हैं। ये फुल टाइम सेवक नहीं है लेकिन इसे हाफ टाइम सेवक कहा जाता है।
इसे हम देख सकते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों में भी इन बातों को हम देखते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों और वहां पर हम देखते हैं तीन और मैं इस विषय को हम देखते हैं और तीन का दूसरा थिस्सलुनी उसका तीन और उसका आठ से हम पढ़ सकते हैं और किसी को रोटी मुफ्त में ना खाए मतलब किसी की रोटी मुफ्त में ना खाए पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। ये नहीं कि हमें अधिकार नहीं पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो क्योंकि जब तक तुम्हारे यहाँ थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। पौलुस की सेवकाई मानते थे नौकरी करके सेवा करके वो किस रीति से प्रभु को महिमा देता रहा है। नौकरी भी की सेवा भी की नौकरी भी करते हैं सेवा भी करते हैं। आज ऐसे प्रभु किस दास है सेवक है इसी रीति से नौकरी भी करते हैं चर्च भी चलाना पड़ता है। कई बार नौकरी की वजह से विश्वासियों को लोग इतना देख नहीं पाते हैं लेकिन ये सच्चाई कि वो लोग नौकरी भी करते हैं और सेवा भी करते हैं प्रभु की महिमा के लिए प्रभु के कार्य के लिए उनको कितना जलन है उनको कितनी इच्छा है और वो लोग इस रीति से करते हैं ताकि वो किसी पर भार ना हो डिपेंड ना रहे हम अपने पैर पर खड़े हों और सेवा करें खुद का बिजनेस करके सेवा करते हैं खुद की कोई सरकारी नौकरी होती है उसको करते हुए करते हैं कोई प्राइवेट जॉब करते हुए करते हैं लेकिन करते हैं कुछ ना कुछ करके प्रभु की सेवा करते हैं ताकि किसी के ऊपर भार ना हो कहीं जाना हो खाने के लिए पीने के लिए पहनने के लिए कहीं रहने के लिए बच्चों के लिए पत्नी के लिए किसी रीति से परिवार को संभालने के लिए किसी पर ये ना हो जाए इसी रीति से वो लोग करते हैं। ये दूसरे कैटेगरी में हम देखते हैं ये हाफ टाइम सेवक को हम देखते हैं कि वो लोग नौकरी भी कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए प्रभु के कार्य के लिए। ये लोग भी इस रीति से सेवा कर रहे होते हैं प्रभु का काम करते हैं प्रभु की महिमा करते हैं। हम आज देखते हैं इसी प्रकार से प्रभु की कलीसियाओं में। तीसरे कैटेगरी को हम देखते हैं जो कि हम देखते हैं उसे सहपदस्क में हम बहुत कहा गया है थोड़ा सा हम देखेंगे नौ का और उसका देखते हैं और उसका नौ का दस में सहपदस्क सभोपदस्क नौ का दस यहाँ पर लिखा है जो काम तुम्हें मिले हैं उसे अपनी शक्ति भर करना क्योंकि अधलोक में जहाँ तू जाने वाला है ना काम ना युक्ति ना ज्ञान ना बुद्धि है जो कुछ काम मिलता है करना है। मतलब ये कौन लोग हैं ये कौन सेवक है ये विश्वासी सेवक है जो चर्च में आते हैं वो है आम विश्वासी सेवक। ये लोग सेवकों को सपोर्ट करते हैं काम के द्वारा सेवा करते हैं जो कुछ सेवा उनको मिलता है वो करते हैं छोटा बड़ा जो भी मिलता है इसको करते हैं। इसी विश्वासी में से ही वो फुल टाइम सेवक भी बनते हैं इसी विश्वासी में से ही एक हाफ टाइम सेवक भी आते हैं लेकिन ये विश्वासियों को जो काम दिया जाता है क्या वो करते हैं देखते हैं। छोटा काम भी आज करने के लिए कोई नहीं खोजता है सब बाबू बनना चाहते हैं लेकिन सब मालिक बनना चाहते हैं लेकिन काम करना नहीं चाहते। प्रभु के घर में बहुत से काम रहते हैं सफाई के काम रहते हैं खाने बनाने के विषय हो या कोई भी एक सुषमाचार का विषय में हर एक विषय में एक सेवक को मदद चाहिए होती है सहकर्मियों की जरूरत होती है लेकिन आज देखते हैं बहुत से कम लोग हैं जो सहकर्मी बनना चाहते हैं और इस तरह से विश्वासी के रूप में भी सेवा नहीं करते चर्च को सपोर्ट नहीं करते हैं काम में भी मदद नहीं करते पास्टर्स की मदद नहीं करते सेवकों की मदद नहीं करते जिसकी वजह से आज कलीसियाओं में इस तरीके से हानि उठाना उनको पड़ता है हर तरह के कर्ज में वो अधीनता में रह जाते हैं क्योंकि वो लोग सेवा को इतना हल्का समझ लिए हैं। विश्वासी सेवकों के बारे में पहला तिमोथी 5:8 में यहाँ पर हम देखते हैं पहले तिमोथी और उसका 5 और उसका 8 में लिखा है पर यदि कोई अपनों की ओर नीच करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा हो गया है। कितने ऐसे विश्वासी भी हैं अपने घर वालों की भी चिंता नहीं उन लोग उनका घर वालों की चिंता नहीं विश्वासी हैं वो अपने को फुल टाइम जैसे दिखाते हैं मैं बहुत बड़ा फुल टाइम सेवक हूँ मैं बहुत बड़ा सेवक हूँ हाफ टाइम में भी ऐसे ही होते तो लेकिन ऐसे करते हैं विश्वासी लोगों ऐसा नहीं करना चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए। अब विश्वासी के रूप में प्रभु रखा है तो आपको इस स्थिति से जब तक आप फुल टाइम सेवक नहीं है या हाफ टाइम सेवक नहीं बन पाए, आप खड़े नहीं हैं, खुद नहीं कर पा रहे, किसी के अंडर में आपको रखा है, प्रभु ने रखा है सिखाने के लिए ताकि आप सीख सके और समझ सके, तुरंत कोई सेवक नहीं बन जाएगा, तुरंत कोई फुल टाइम सेवक में नहीं आ जाएगा, उसको सीखना पड़ता है, किसी के अंडर में रहना ही है। प्रभु उसको रखता है ताकि सीखे, सीख के काम किया जाता है। प्रभु इस मिशन अपने चेलों को सिखाया और स्थिति से उनको अभिषेक दिया और फिर वो काम किए। प्रभु ने ना केवल देखने वाले बने बल्कि करने वाले भी बने, लेकिन पहले उन्होंने छोटे छोटे काम करना पड़ता है। एलिशा के विषय में भी देखते हैं, एलिया के विषय में छोटा छोटा काम करता था लेकिन उसका दोगुना अभिषेक को हो पाता है। इसी प्रकार से इन बातों को देखते घर के विषय में भी हम देखते हैं और यहाँ पर इफिसी 4:27 में देखते हैं, इफिसी की पत्री और उसका हम देखते हैं 4 इफिसियों की पत्री और उसका हम देखते हैं 4 अध्याय और वहां पर हम इस स्थिति से देखते हैं उसका 27 पद में कहता है और यहाँ कहता है ना शैतान को अवसर दो, 27 में कहता है, 28 में लेकिन कहता है चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसीलिए जैसे प्रयोजन हो उसे देने के लिए उसके पास कुछ हो। विश्वासियों के पास देने के लिए कुछ नहीं होगा, विश्वासी लोग ही चोरी करने लगेंगे, प्रभु का दशमांश चोरी करते हैं, दशमांश भी नहीं देते हैं तो कैसे चलेगा, दशमांश भी नहीं देते हैं, चर्च का खर्चा भी नहीं उठता है, चर्च में कितने सारे काम रहते वो काम नहीं होता है, मंडली में काम रहते नहीं होता है, सेवकों का काम रहता है नहीं होता है, खर्चा नहीं उठता है। इस प्रकार से सेवकों की दशा, विश्वासियों की दशा है। विश्वासी लोगों को भी सेवा करने के लिए कलीसिया में रखा है, विश्वास बन गए सिर्फ चर्च आना है, वचन सुना है, चले जाना नहीं है, उनको भी सेवा करना है, उनको भी सुसमाचार प्रचार करने में मदद करना है, उनको भी चर्च में हर काम में सहायता करना है ताकि कलीसिया की उन्नति हो, लोग उद्धार पाए, जीवन पाए। देख सेवक उनको सपोर्ट करे, मदद करे, सेवक के परिवार को आप सपोर्ट करें, चाहे वो छोटे ज़्यादा लोग भी ना हो, थोड़े लोग हों, चाहे 10 लोग हों, चाहे 20 लोग भी क्यों ना हो, चाहे 2-3 ही लोग क्यों ना आते, लेकिन आप सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट के द्वारा ही ये काम हो पाता है। यदि विश्वासी लोग ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा, और कौन करेगा, कोई नहीं करने वाला। इस प्रकार से परिस्थितियाँ, विश्वासी लोग यदि अपने पैर में खड़े नहीं होंगे, वो चोरी करेंगे या फिर काम चोरी करेंगे, वो तो कैसे काम होगा, वो लोग कुछ करना ही नहीं करेंगे, कल चर्चा चाहना चले जाना ऐसे ही सोचेंगे, चर्च तो सब कुछ कर देगा, सेवक है तो सेवक वो कर लेगा, वो लोग का परिवार कर लेगा, वो लोग ही देख लेंगे। इस तरीके से आज विश्वासी डिपेंडेबल हो गए हैं, वो लोग काम नहीं करना चाहते प्रभु के घर में, प्रभु के सेवकों के प्रति, और उनको ऐसा और ये नहीं रहता है। प्रभु हम सबकी सहायता करें और ताकि हम इस सेवाओं को समझें, विश्वासी के रूप में हम इस सेवा को समझें कि मैं भी एक सेवक हूँ और मुझे भी जो सेवा दिया जाता है, जो दायित्व दिया जाता है, क्या मैं उसे करता हूँ, क्या मैं, और यदि हाफ टाइम को देखते हैं, क्या हाफ टाइम के रूप में क्या मैं नौकरी करके प्रभु की सेवा कर पाता हूँ, और कैसे फुल टाइम सेवक जो कि प्रभु के ओर से जब हम बुलाहट में, यदि इस बुलाहट में है तो फिर प्रभु कैसे इसमें भी काम कर रहा है। तुरंत सब कुछ नहीं हो जाता, परिश्रम करना पड़ता है, बहुत सारे कठिन परिश्रम करना पड़ता है, सुसमाचार के लिए परिश्रम करना पड़ता है, प्रार्थनाएं करनी पड़ती है, वरदान भी इतने आसानी से नहीं मिलते, कई साल लग जाते हैं कई बार तो, और कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, सेवकों को बहुत सारी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, तुरंत नहीं ऐसा होता, अटैक्स पे अटैक्स, फैमिली में अटैक्स होते हैं, हर तरह के दुष्टात्माओं के अटैक्स होते हैं, अपने जीवन को पवित्रता में रखते हुए सेवा को करना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग पिता प्रभु परमेश्वर, आपकी स्तुति आराधना करते हैं, आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, आपके चरणों में झुकते हैं प्रभु, आपके प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि कैसे पिता परमेश्वर आपने उसको सेवक बनाकर इस धरती में भेजा और सेवा किया है, और सेवा के बारे में आपने बताया हमें, फुल टाइम सेवा, हाफ टाइम सेवा, और विश्वासी के रूप में जो सेवा है, हे प्रभु हे परमेश्वर, इन सब बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते और सुनते, जो भी भाई बहन प्रभु परमेश्वर सबको आप ब्लेस करें, आशीषित करें प्रभु, आज के मैसेज को ब्लेस करें, आशीषित करें, चैनल को प्रभु आशीषित करें, धन्यवाद देते हुए प्रभु परमेश्वर सेवा के लिए जो ऑनलाइन है प्रभु परमेश्वर, छोटी प्रार्थना प्रभु उद्धारकर्ता के नाम में चढ़ाते हैं, सुने ग्रहण कीजिए, आमीन।